तो दोस्तों, जब से इसराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी है, भारत की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि ईरान दुनिया भर में सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लाई करने वाला देश है और अब इस जंग का सीधा असर भारत की तेल सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर तेल की सप्लाई में दिक्कत हुई तो इंडियन इकोनॉमी पर सीधा असर दिखाई देगा। अब जब ईरान को पता चला कि इस जंग की वजह से भारत की तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, तो उसने सोचा कि हो सकता है भारत को भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया जाए। और हाल ही में ईरान ने इसराइल पर 180 से भी ज्यादा मिसाइल दाग दिए। ये हमले होते ही पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में आ गया है और वहाँ हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। इस गंभीर हालात को देखते हुए भारत ने भी तुरंत कदम उठाए हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। खबर है कि भारत ने अपने 3 युद्धपोत ईरान के बंदरगाहों की ओर भेज दिए हैं, ताकि वो अपनी ऑयल सप्लाई को सुरक्षित रख सके। अब ऐसा लग रहा है कि भारत जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। अभी जो हालात हैं, वो भारत के लिए बड़े नाजुक हैं। अगर तेल की सप्लाई में कोई रुकावट आई तो इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसीलिए भारत को अब जल्दी से कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि उसकी तेल सुरक्षा बनी रहे और इकोनॉमी पर असर ना हो। तो दोस्तों, अभी जो हालात बने हैं, उसमें ईरान और इसराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। दोनों देशों का रिश्ता इस कदर बिगड़ चुका है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। अब दिक्कत ये है कि इस जंग में भारत को भी खींचने की कोशिश हो रही है, और भले ही हम सीधे तौर पर शामिल ना हों, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि भारत को बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। अमेरिका शुरू से ही ईरान को दुश्मन की नजर से देखता है। अभी हाल ही में ईरान ने इसराइल पर 180 मिसाइल दागे, जिसके बाद अमेरिका को एक मौका मिल गया है। अब अमेरिका और इसराइल, जो आपस में अच्छे दोस्त हैं, एक साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के तेल स्टोर और टैंकरों को मिसाइल से उड़ाने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत को ईरान से काफी कच्चा तेल मिलता है, और अगर ये सप्लाई रुकती है तो हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ईरान के तेल स्टोर पर हमला होता है तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे हर चीज महंगी हो जाएगी। भारत के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, और उसे जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि देश की तेल सुरक्षा बनी रहे और इकोनॉमी पर बुरा असर ना पड़े। तो दोस्तों, हाल ही में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागकर बड़ी गलती कर दी है, और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल और अमेरिका मिलकर जल्द ही ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब जरा सोचिए, जैसे ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइल छोड़ी, उसके बाद से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। ये भारत के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। हालांकि भारत ने हाल के कुछ सालों में काफी तेल रूस से खरीदा है, लेकिन ईरान और अन्य खाड़ी देशों से भी भारत कच्चा तेल मंगाता है। भारत खुद ज्यादा कच्चा तेल नहीं निकालता, बल्कि इसे सस्ते दामों पर दूसरे देशों से खरीदकर डीजल और पेट्रोल में बदलता है, फिर इसे भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और पड़ोसी देशों को भी बेचता है। इससे भारत अच्छी खासी कमाई करता है। अब परेशानी ये है कि अगर इसराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करता है और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देता है, तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी, जिससे भारत की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि अमेरिका ने पिछले कुछ सालों से ईरान पर बैन लगाया हुआ है, जिससे भारत को ईरान से कच्चा तेल खरीदने में दिक्कत होती है। अब अगर इसराइल ने ईरान के तेल स्टोर पर हमला किया, तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ेगा। इससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और भारत को मजबूरी में महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा। इसका सीधा असर हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पड़ेगा, जिससे चीजें महंगी हो सकती हैं। अब बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं है। अगर तेल महंगा होता है तो हर चीज पर इसका असर होगा। खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी,
क्योंकि ज्यादातर सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आता है। खासकर वो प्रोडक्ट्स जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी और इससे आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। अब ईरान इस हालात में चाहता है कि भारत उसकी मदद करे, क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। ईरान की ज्यादातर कमाई कच्चे तेल के निर्यात से होती है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके तेल स्टोर को नष्ट कर देते हैं तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं शायद अमेरिका को इसमें कुछ फायदा हो जाए। इस पूरी स्थिति का सीधा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि महंगे तेल से इंडियन इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों, असली बात यह है कि अमेरिका खुद भी थोड़ा बहुत कच्चा तेल निकालता है, लेकिन वो हमेशा अपने पेट्रोल और डीजल को महंगे दामों पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश में रहता है। दूसरी तरफ ईरान बहुत सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचता है और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आती। इसीलिए साल 2010 में अमेरिका ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ईरान पर प्रतिबंध सैंक्शन लगा दिया, ताकि उसे सस्ता तेल बेचने से रोका जा सके। लेकिन इसके बाद भी 2016 में भारत ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश बन गया, क्योंकि ईरान से भारत को सस्ते दामों में तेल मिल रहा था, जिससे भारत को फायदा हो रहा था। अब जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है, अमेरिका इस मौके का इंतजार कर रहा था। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी हैं, जो कि एक बड़ी गलती मानी जा रही है, जिसमें इजराइल के कई F-35 लड़ाकू विमान तबाह हो गए और यहां तक कि इजराइल की सबसे शक्तिशाली रक्षा प्रणाली आयरन डोम भी ध्वस्त हो गई। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि वह इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले कि इजराइल कोई जवाबी हमला करता, ईरान ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर लिया। अब इजराइल इस बात से डरा हुआ है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरान जवाब में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के पास जितना यूरेनियम और प्लूटोनियम है, उससे वह 700 से 800 परमाणु बम बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसके बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ईरान और इजराइल की जंग आगे भी जारी रहती है तो भारत किसका साथ देगा? भारत के रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे हैं, लेकिन ईरान से सस्ता तेल मिलना भारत के लिए फायदेमंद है। आपको क्या लगता है, अगर ये जंग जारी रहती है तो भारत किसका समर्थन करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरनेशनल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ले